हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। और आज हम आपको ले आए हैं हमारे वॉशिंग एरिया में। देख रहे हो यहाँ कपड़े सूख रहे हैं और यहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है तीन लाइन से। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ कपड़े कैसे धुलते हैं और वॉशिंग मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। अगर आप यहाँ आ रहे हो या फिर आप कहीं भी किसी भी हॉस्टल में जाओगे तो आपको ऐसे सिमिलर वॉशिंग मशीन मिलने वाली है और आप उसको खुद उसको ऑपरेट करना है। कैसे करना है वो इस वीडियो में चलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वॉशिंग मशीन का व्लॉग। तो अब हमारे पास क्या करना है भैया, सबसे पहले इधर दिखाओ, वॉशमिट नाम की एक ऐप है डाउनलोड करके। हाँ, उसमें वॉलेट में पैसे ऐड कर लेते होते हैं। कर लो भाई। ठीक है, ऐड हो गए मेरे पैसे। उसके बाद हमें चूज करना होगा अपना हॉस्टल। इंग्लिश में है ना ये? नहीं, ये तो अब रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो लैटिन में लिखा रहेगा ना, तो मेरी यूनिवर्सिटी ये है। ये अलग अलग लोकेशन पे देखो, हर यूनिवर्सिटी में इसके हैं। तो रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये इसके हॉस्टल से, मैं इस हॉस्टल में रहता हूँ ब्रुतनिकू, मैंने इसको चूज कर लिया। यहाँ पे तीन मशीनें आ गई, ऑटोमेटिक आ गई ना, दो वॉशिंग मशीन एक ड्रायर। ये ड्रायर है भाई और ये दो वॉशिंग मशीन है। ठीक है। हाँ, अरे देखो कहाँ चले गए, हमने एक बार ड्रायर में भी कपड़े धोए थे। तो जैसे ये मैंने एक 20 नंबर वाली को खोल रखा, तो मैं इसी को करता हूँ सेलेक्ट पे। अब देखो इसमें अलग अलग प्राइस आएंगे, तीन यूरो 40 सेंट का भी है, तीन का भी है, 270 का भी है, 270 का। अलग अलग कपड़ों के वूलन कपड़े हैं तो 240। ठीक है, तो मैं इको वाला प्लान चूज करता हूँ, 2 यूरो का है, 25 मिनट तक कपड़े धुले जाते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे, 1200 राउंड मशीन घूमती है। तो मैंने ये किया सेलेक्ट पेन, स्टार्ट द मशीन, हो गई भाई आवाज़ आ गई, वहाँ से बीप आ गई। ठीक है, यहाँ पे लिख गया ना, यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन 7 मिनट बिफोर साइकिल फिंस। तो एक नोटिफिकेशन और एक ईमेल आ जाता है और मेरे वॉलेट से कि मशीन बंद करनी है। हाँ नहीं, मशीन बंद हो जाएगी, आपकी लॉन्ड्री फिनिश आउट डालो कपड़े। अच्छा, अब देखो मेरे वॉलेट से पैसे कट गए, ये मशीन मेरे रिजर्व हो गई, लाल हो गया। चलो डन है। ठीक है, अब इसमें कपड़े डाल दो। लिख के आ गया इसमें डोर। यहाँ पे कपड़ा धोना मशीन से है, बट ये भी मुझे बहुत भारी काम लगता है। भाई क्योंकि जिंदगी इतनी बिजी हो जाएगी ना आपके आने के बाद कि कपड़ा धोना भी ऐसा लगेगा, अरे यार क्या काम है यार ये, जबकि वॉशिंग मशीन में धोना है कपड़ा, पर तब भी। और उसका ड्रायर भी आपको मिल रहा है यूज करने के लिए, सुखाने भी टेंशन नहीं है, सुखा लो हाल के हाल और अपने ले जाओ। और यहाँ देखो साथ में वो भी है आयरन करने के लिए, अगर आपको ये फ्री है, अगर आपको आयरन करना है तो आप आके यहाँ इसको मतलब कपड़े यहाँ धो, उसके बाद सुखाओ और फिर आयरन करके ले जाओ अपने रूम पे। पर तब भी वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, ये बहुत आलस है भाई। और तब भी बहुत हेडिंग लगती है क्योंकि टाइम नहीं होता, मैं ऊपर से शर्ट तैयार होके आऊंगा सीधे और उसको अपने ऊपर प्रेस कर लेते हो। नहीं अच्छा हाँ, ये तो मैंने भी किया कई बार कि मैं टी शर्ट पहन के आता हूँ, मेरी टी शर्ट पे वो बहुत सारी सुखड़न होती है, तो मैं आता हूँ और यहाँ टी शर्ट उतार के फटाफट प्रेस करके फिर भाग जाता हूँ पहन के उसी टी शर्ट को। समझ रहे हो आप, सबसे बढ़िया ये अगर काश हम अपने ऊपर प्रेस कर पाते, नहीं टी शर्ट पहन के आओ अपने ऊपर ऐसे प्रेस मार लो सीने पे। सबसे अच्छा ये है तरीका, हाँ एक ही जैसे खरीद लो ढेर सारे कपड़े, बहुत लोड नहीं होगा कि ये पहनना है, इस कलर का पहन लूँ, इस कलर का पहन लूँ, खत्म। बस मार्क जुकरबर्ग बनना है, नास डेली बनना है, सबको हेडेक खत्म। इसको एक वो कहते हैं फिनोमेना होता है इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसमें आपको बहुत सारी एनर्जी लूज होती है इसमें सिलेक्शन में। हाँ, कि कौन सा कपड़ा पहनना है कौन सा नहीं पहनना है, सिलेक्शन बाइस कहते हैं शायद इसको, जिसमें आपकी बहुत सारी एनर्जी लूज हो जाती है कि कौन सा कपड़ा पहनना है ये डिसाइड करने में, या डिसीजन बायस कहते हैं, सॉरी। चलो भाई कपड़े डाल दिए सारे, ऑलमोस्ट 8 किलो या उससे थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं बस। ज़्यादा देखो, ज़्यादा कपड़े डालने पे धुलेगी ये, ऐसी कोई दिक्कत धुलेगी, पर उसके बाद फिर उसकी जो क्वालिटी है धुलाई वो कम हो जाएगी। अब जो सफ़ेद कपड़े हैं वाइट, वो इसमें साफ नहीं होते, लेकिन अगर नहीं होती है, मैं तो करी है इसमें। और
हमारे साला मैली ज्यादा निकल रहा है क्या? ढीठ सा क्या हो गया? क्या हो गया? पॉज करा भाई, स्टार्ट तो हो गई मशीन, इन्होंने स्टार्ट कर दी है पर अभी डिटर्जेंट डाला, अब डिटर्जेंट डाल ले, वहाँ पानी तो आना शुरू हो गया और घूमने भी लगा खाली घूम रहा है बिना डिटर्जेंट के अब डाला है डिटर्जेंट में भाई साहब ने। अब देखो डिटर्जेंट लेना शुरू किया, इसमें अलग अलग सेक्शन है तो इसमें डिटर्जेंट और कपड़ों को फ्रेश करने के लिए कई सारे लिक्विड वगैरह आते हैं, वूलन लिक्विड, उसमें अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। चलो डन है, ये 25 मिनट तक धुलेगा, ये 25 मिनट तक धुलेगा भाई, 25 मिनट तक आपको यहाँ वेट नहीं करना है, आपको अपने पास जाना है, आपको जब ये धुल जाएगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आपके ऐप पे आ जाएगा, वो कहेगा खराशो खराशो, तब आप आ जाओगे नीचे तो आप नीचे आ जाओ और आप आके धुलवा लो, खराशो इज मीन्स गुड इन रशियन, ठीक है, खराशो भी लिखता है मतलब हाँ योर लॉन्ड्री डन, हाँ मैंने लॉन्ड्री डन लिखेगा पर मतलब बात तो बराबर ही है। चलो भाई हो गया काम, अब आपको दिखाएंगे हम वार्मर, वार्मिंग करके दिखाऊंगा, वार्मिंग सबसे कूल चीज मुझे लगती है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ हो चुका है टाइम, खोलो, 25 मिनट हो गए और देखें जरा कपड़े कितने सूखने के लिए, मतलब गीले निकले, निकालना रहा वाइट वाले, निकालना रहा वाइट, वो वाइट शर्ट निकालना रहा अपनी, तुम कह रहे थे वाइट शर्ट साफ हो जाती एकदम, नहीं निकलती है। और बात ये अकेले व्हाइट शर्ट धो लो तब साफ हो जाती है, एक लड़का बता रहा हूँ, चलो सिर्फ व्हाइट शर्ट डाल दो। अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वॉशिंग मशीन टू ड्रायर कपड़े, सही है भाई, खेलो उसके साथ कपड़ा छूट कर दीजिए, पहले इसको साफ कर लेना है ड्रायर चलाने से पहले, चलाने कैसे इसमें रुई रुई की तरह आ जाता है, अरे ये कपड़ों की गंदगी होती है क्या होती नहीं, हाँ कपड़ों के रुए निकलते होंगे ना, तो इसके अंदर कपड़े के रुए फट जाते हैं क्योंकि इसमें से शायद मिल जाता है वो गर्म हवा सक करता होगा, वो इसको साफ कर लेना है, अगेन वॉशमेट खोलना है, ये ड्रायर वॉशमेट खोलो भाई, सिलेक्टन पे करो, ड्रायर का चार्ज एक ही है ठीक है, कितना है? 1.5 यूरो, मतलब देखो 1 यूरो 60 सेंट, 1 यूरो 60 सेंट हर चीज का। अब मैं करता हूँ 71 डिग्री सेल्सियस पे ठीक, 50 मिनट के लिए, अब अगर मिनट बढ़ाऊंगा पैसे बढ़ेंगे, तो पैसे बढ़ेंगे फिर 80 मिनट के 2 यूरो 10 सेंट, ये सबसे वो है, पर मैं 50 मिनट का करूँगा, इससे भी कम का है 35 मिनट का, 1:35 में ही, पर कपड़े सूखेंगे नहीं एकदम, हमें कपड़े एकदम सूखते हुए निकालने हैं, 50 मिनट का कर देता है 71 डिग्री सेल्सियस पे, डन हो गया भाई, बीप हो गई आवाज़, दोबारे कपड़े डाल दिए, कुछ बचा भी नहीं, पैसे कट गए दिखा ना, पैसे कट गए, इसमें लिखा ना क्लीन द लाइन फिल्टर बिफोर ड्राइंग, वो जो मैंने ये ऊपर भी लिखा हुआ है उसमें, तो मैंने ओके किया और ये 50 मिनट दिखाने लगा, देखो 50 मिनट और पैसे बचे, पैसे मेरे 2.5 यूरो बच गए, टोटल 2.5 यूरो में तुमने 2 यूरो में वॉशिंग और 1 यूरो 60 सेंट 3.5 यूरो टोटल 3.5 यूरो 3.60 सेंट 3.60 यूरो में आपने कपड़े धोले, कपड़े धुल के सूख गए, कपड़े धुल के सूख गए, हम वेट करेंगे इसका, इसको निकाल के और फिर चेक करेंगे कितने कपड़े सूखे निकलते हैं, एकदम गर्म निकलेंगे, गर्म निकलेंगे, चलो देखते हैं, हम आ गए नीचे और अभी 23 मिनट बचे हैं, हम नहा चुके और हमने नहा लिया है, बताओ, चलो चाय बनाई जाएगी अब तक फिर आ जाएगा वापस, गाइस हो गए हैं 50 मिनट और कितना सूखे निकले, दिखा दो, देखो जरा आप खुद,
सूखा है ये सबसे मोटा कपड़ा है। ओए हाँ यार एकदम गर्मा गर्म निकल रहा है एकदम जैसे बॉम्ब से मोटा कपड़ा है। सर्दी में हाँ यार इसमें ये मोटा है देखो अंदर से इसमें ये वुलन है ये जींस को छू लो अब इससे मोटा क्या ही होगा। बहुत सही बहुत सही बहुत सही भाई एकदम गर्मा गर्म निकल रहा है जैसे ऐसे गर्मा गर्म निकल रहा है जैसे मूंगफली खाते ना हम ठेले पे है ना उसमें नहीं हाथ लगाने में मज़ा आता है सर्दियों में गर्मा गर्म मूंगफली ऐसी कपड़े हाथ लगाने में मज़ा आ रहा है गर्मा गर्म। चलो मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। डन आई होप यू लाइक द वीडियो आपको पता चला होगा कि कैसे वॉशमेट आपको यूज़ करना है वॉशमेट और कैसे कैसे आपको यहाँ वॉशिंग मशीन और आपको ड्रायर एसेस करना है और कैसे यूज़ करना है। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग खरशो तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और आपको पता है कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन और कोई चीज़ आप किसी और चीज़ के बारे में टॉपिक के बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो आई एम देयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।